दोस्तों, मेरा नाम है आरव शर्मा और मैं हूँ प्रियंका शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चों की कटिंग घर पे आसानी से कैसे कर सकते हैं। आइए हमारे साथ। टावल आपको इसलिए लगाना है क्योंकि वो बहुत खारिश और इरिटेशन देता है। हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। तो देखो कॉम आपको अच्छे से बिल्कुल नीचे आपको बाल गीले कर लेने हैं, फिर आपको जो नीचे कर देने सारे बाल। उसके बाद आपको फिर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रिमर का स्विच ऑन कर देंगे। हाँ। फिर ट्रिमर को जो है हम ऑन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी रख रखा है, आपको शीशा भी चाहिए ताकि आप उसको देख भी सको। सबसे पहले हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कटिंग के लिए ये वाली साइड लेंगे, बैक साइड से हम कटिंग करेंगे और बहुत अच्छे से कटिंग करेंगे। पहले हम इस साइड से कटिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम फ्रंट लाइन कटिंग करेंगे, ठीक है। और हम आपको इसको शीशा तो इसके लिए पकड़ा देंगे। सबसे पहले हम बालों को ऐसे कंघे में फंसाएंगे, ऐसे जितनी डीप आपको बालों की कटिंग करनी है उतना आप ले सकते हो। और फिर आपको ट्रिमर चालू करना है और फिर बालों को जो है आपको धीरे धीरे काटना है। ये देखिए कितनी अच्छी से कटिंग हो रही है। और आपको जितने छोटे करने आप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो अब हम अपने बच्चों को घर से बाहर कटिंग ले जाने में बहुत रिस्क महसूस करते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम बच्चों के बाल घर पे ही कट कर लें बहुत ही आसानी से। और आपको कंघी, जितना आपको बाल को छोटा करना है उतनी ही कंघी आपको फंसानी है। और अगर आपको बिल्कुल ही छोटे करने हैं तो आपको उतनी ही कंघी अंदर बालों के अंदर लगानी है। और फिर आपको ट्रिमर को एक साइड को चलाते जाना है, घुमाना है ट्रिमर को। हम स्लाइटली राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे और उसके और ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। तो ये बच्चा बोल रहा है। अब हम इस तरफ से करेंगे और आपको इसको शीशा भी पकड़ा देना ताकि वो देखते रहे कटिंग, इससे वो इरिटेट नहीं होता बैठे बैठे, ना बोर हो जाते हैं इनको। आपको जैसे आपको जिस शेप में या फिर आपको किसी भी मशरूम कट में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो आप। नीचे से हम नीचे जो बालों वाली साइड है वहाँ से हम डेप्थ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बालों की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, तो कान के नीचे बाल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान से करना है क्योंकि कई बार वहाँ पर गुदी होती है तो बच्चे का कान भी कट सकता है। बेटा हेड ऊपर करो। और ये कटिंग हम घर में ही कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं गए, हम घर पे ही कर रहे हैं। ये देखो, ये हम अपने घर यहाँ पर कमरे और हम घर के अंदर ही कर रहे हैं कटिंग। देखिए और टावल को थोड़ा टाइट और अच्छे से बांधना। अच्छे से हो गई ना। अब हम आगे वाली साइड में चलेंगे। Thank you.
बेटा हेड ऊपर करो। आप देखो हेड को, हेड को देखिए कैसे कटिंग करना है। तो ये जैसे कि बच्चे कई बार, अब हम आगे से कटिंग करेंगे, पहले हमने साइड से कटिंग कर ली है। कई बार बच्चे हंसते हैं तो ध्यान से करना। कंघी नीचे बालों के नीचे रख के यूज करेंगे और कंघी हम उतनी ही नीचे रखेंगे बालों के जितने में बालों की लेंथ चाहिए। और गाइस वो आपकी मर्जी है कि आपको वो कैसे कटिंग करनी है, और जो आपकी मर्जी अभी इवन कोई भी हो ना, कोई भी चलेगा, और आप सीधर से भी कट कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है। तो कई बार इरिटेट भी होते हैं, अब सीजर को भी आपको उस बालों के अंदर फंसाना है उसी तरीके से। फिर आपको उसके ऊपर से सीजर कट करना है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।